ओके, तो हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव को लगा लेते हैं इसका, ठीक है, लाइट का। तो इनमें जो क्वेश्चन है गिवन, एक एक करके उनको देख लेते हैं। ये जो ट्रू फॉल्स है इसको देख लेते हैं। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, तो ये तो ट्रू है ना, तो दैट इज ट्रू। दूसरी बात अगर दिया हो उसमें कि अ कनकेव मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, तो दूसरा का जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कनकेव जो होता है ना दैट विल बी कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। तो मतलब जैसे रे आती है ना, ये सारे रे को क्या करेगा इस तरीके से, जब रे आएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, सारे रे को फोकस पे मोड़ देता है इस तरीके से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कनकेव मिरर होगा, ठीक है, जो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है, कनकेव जो होता है कन्वर्जिंग होता है। तो सेकेंड जो है, ये तो पहला ट्रू था, सेकेंड जो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम बात करें तो थर्ड में, अ कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर, तो देखिए इसमें जो है कन्वेक्स नहीं होता, कनकेव होता है शेविंग के रूप में, ठीक है, तो ये जो है ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ की बात करें तो अरे ऑफ लाइट गोज अनडेविएटेड ऑन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर बात करें तो जो एक रे ऑफ लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगा तो अनडेविएटेड जाएगा, तो ये बात सही है ना, इससे जाएगा और इसी से रिटर्न होगा, यहाँ से ना सी पे जाएगा तो सी से रिटर्न होगा, ठीक है, तो यहाँ से डेविएट नहीं होगा, और सब कहीं जाएगा तब ये डेविएट करेगा, ठीक है, इस तरीके से तब ये मुड़ेगा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा उसी से मुड़ जाएगा, यहाँ अनडेविएट रहेगा, तो दैट इज ट्रू। तो फोर का जो है ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे बात करते हैं, यहाँ पे फिफ्थ में, द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वाटर 3 इंटरपोवेट मीटर पर सेकेंड, ये फॉल्स हो गया। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है, वाटर में ये लाइट से कम होता है, ठीक है, सॉरी एयर से कम होता है, तो एयर में जो होता है ये स्पीड होता है दैट विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये एयर में स्पीड होता है, या वैक्यूम में, वैक्यूम में एयर एक ही हम बात मानते हैं वैक्यूम में एयर को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाटर में कुछ कम होता है, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू, ये गलत हो जाएगा पाँच का। सिक्स की अगर बात करें तो सिक्स में क्वेश्चन दे रखा, अ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, तो लाइट ईयर जो होता है ये डिस्टेंस यूनिट है, ये भी सही है, ठीक है, तो लाइट ईयर से हम डिस्टेंस ही मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है कि लाइट जो है 1 ईयर में कितना चला, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो लाइट अगर 1 ईयर में आपको निकालना है कितना चला, तो आप निकाल सकते हैं कि एक दिन में कितना सेकेंड होता है, 86,400 ना, ये एक दिन का सेकेंड, तो 365 दिन में कितना सेकेंड होगा, ठीक है, इसे गुणा कर लीजिए, फिर लाइट का स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाइट ईयर हो जाएगा, ठीक है, तो टोटल ये मीटर में आएगा आपको, ठीक है, तो ये आएगा जो एक ईयर में लाइट कितना स्पीड ट्रेवल करेगा, तो ये आएगा आंसर। आगे देखिए सेवन में क्या क्वेश्चन, लाइट डज नॉट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो सेवन की बात करें तो ये जो है मेरे पास दैट विल बी फॉल्स, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है, आपको ये पता होगा अभी, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे बात करेंगे एट में, एट में है वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं आता है, स्क्रीन पर कौन आता है, हमेशा रियल इमेज आता है, ठीक है, ये केवल आता है स्क्रीन पे। अगर बात करें तो नाइन्थ में क्या है, यहाँ पे द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज लाई बिहाइंड द मिरर, ठीक है, तो अगर बात करें ना यहाँ पे कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर पे जो इसका फोकस होगा ना यहाँ पे, तो कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है इधर होता है, ठीक है, यहाँ पे ये कन्वेक्स है, तो इसका जो फोकस वही आगे होगा ना, तो मिरर के जो है जस्ट इस साइड होता है, तो मिरर का जो है ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया, तो क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है, इस तरीके से, तो फोकस जो होगा कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर दैट विल बी ट्रू, ठीक है, तो नाइन का जो ये ट्रू हो जाएगा। टेन की बात करें यहाँ पे तो टेन में है कन्वेक्स मिरर आर यूज एज ए रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट कार, ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर की बात नहीं करेंगे, ठीक है, कनकेव मिरर का यूज होता है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, रिफ्लेक्टर का जो काम करता है वो काम करता है कनकेव मिरर, ठीक है, तो कार का लाइट ऐसा होता है इस तरीके से और यहाँ पे लगा होता है लाइट, ये टकरा के ऐसे काम करता है, तो ये कनकेव का काम ऐसा होता है, ठीक है, कन्वेक्स का नहीं होता है, तो ये जो होगा टेन का फॉल्स हो जाएगा।
आगे बात करते हैं 11 में, द फोकल लेंथ ऑफ इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द यूनिट टाइम। तो जो फोकल लेंथ होता है ये जो है एक्सप्रेस किया जाता है टाइम यूनिट में, ऐसा कुछ होता है क्या? ये तो फॉल्स हो गया ना, मीटर में होता है फोकल लेंथ। तो आगे 12th में देखिए, 12th में क्वेश्चन है लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ मिरर हैज नो यूनिट। बात भी सही है, लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है रेशियो, है ना। रेशियो का मतलब क्या हुआ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन, ये हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो इसका कोई यूनिट ही नहीं होगा क्योंकि दोनों का हाइट जो मीटर मीटर कट जाएगा, तो दैट विल बी यूनिट लेस। 13 में कन्वेक्स मिरर हैज़ अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कनकेव मिरर, है ना। 13 में ये बात जो कहा कि ये बिल्कुल ट्रू है ना। तो अगर हम बात करें तो कनकेव मिरर की बात करें ना, ठीक है, इसमें रियल इमेज बनता है, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, मैग्नीफाइड इमेज बनने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू कम होता है, और कन्वेक्स में वर्चुअल बनता है और डैमेज्ड बनता है, ठीक है। तो कन्वेक्स में जो होता है डैमेज्ड बनता है, छोटा बनता है, इसलिए बहुत सारी इमेज देख पाते हैं हम एक साथ, ठीक है। तो ये जो है ट्रू हो जाएगा। 14 की बात करें तो 14 में अ कन्वेक्स मिरर गिव्स वर्चुअल इमेज वेयर मे बी वट एवर मे बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बात सही है कि कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही देता है, चाहे कोई भी पोजिशन क्यों ना, है ना, कहीं भी क्यों ना रखे आप इमेज ऑब्जेक्ट को, इमेज हमेशा वर्चुअल बनाएगा। तो ये ट्रू हो जाता है। आगे बात करते 15 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज समटाइम इक्वल टू दैट ऑफ रिफ्लेक्शन इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो 15 की अगर बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज समटाइम इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा थोड़ी हमेशा ट्रू होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स हो या फिर प्लेन मिरर हो, तीनों मिरर में ये वैलिड होगा, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट समटाइम थोड़ी इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से चाहे कोई मिरर हो, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, ठीक है। ये आई हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स में क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सॉरी ट्रू फॉल्स नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आंसर होगा वो हम देख लेते हैं। तो पहली बात तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट जो होता है किस क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात कहते हैं सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पॉल, तो जो सेंटर होता है ना इसको पॉल कहते हैं मिरर का, ये वाला, ठीक है। ये सब डेफिनेशन आपको ध्यान रखना, ठीक है, सेंटर जो का ये इसको पॉल कहते हैं। आगे है अ डैश मिरर हैज रियल फोकस, तो कनकेव मिरर जो का उसके पास रियल फोकस होता है, कनकेव मिरर का। अ कन्वेक्स मिरर हैज व्हाट फोकस, तो वर्चुअल फोकस होता है, इसका रियल फोकस नहीं होता है। द डैश ऑफ अ कनकेव मिरर इज इन द फ्रंट ऑफ मिरर, तो इसमें जो फोकस जो होगा कनकेव मिरर का वो इसके फ्रंट में होता है, तो फोकस हो जाएगा, ठीक है। 6 में देखा है कि दोज इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, ठीक है। तो जो इमेज स्क्रीन पर आएगा उसको रियल बोलेंगे। द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज हाफ ऑफ द डैश ऑफ कर्वेचर, तो ये जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। लाइट ऑफ इज डैश प्रोपोर्शन, तो लाइट जो है रेक्टिलिनियर या फिलिनियर कह सकते हैं ना, प्रोपोगेशन मतलब स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसको इसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या रखा कि द इमेज ऑफ आवर फेस व्हेन वी लुक इनटू डैश मिरर इज अ वर्चुअल इमेज, तो जब हम किसी मिरर की बात करें ना तो इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल। तो जो इमेज होता है हमारे फेस का जो हम देखते हैं प्लेन मिरर में, तो वर्चुअल होता है, तो ये आपका आंसर होगा प्लेन मिरर, ठीक है। आगे क्या रखा है 10th में, डैश मिरर इज यूज अ सेविंग मिरर, तो अगर हम बात करें तो कनकेव मिरर जो होता है सेविंग के रूप में यूज होता है, क्योंकि कनकेव में क्या होता है कि जब यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में आप अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे ना फेस को, तो यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज दिखेगा बड़ा बड़ा, जिससे क्लियर आप बियर को देख सकते हैं, जिससे कि आप एक्चुअली में क्लियर रूप से सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वर्चुअल प्लस मैग्नीफाइड होने का इमेज है, ताकि हम क्लियर इमेज देख सकते हैं, ठीक है। तो
यूज़ करेंगे कनकेव का। डॉक्टर्स मिरर इज द कॉमन नेम ऑफ डैश मेट। तो डॉक्टर मेट की अगर बात करें तो ये कौन सा होता है, कन्वेक्स मेट की बात होता है, कनकेव, ठीक है, कनकेव मिरर होता है ना, तो दैट विल बी कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर जो होता है ये डॉक्टर मिरर होता है, डॉक्टर यूज करते हैं अपने हेड के ऊपर में लेके, ठीक है। तो हेड के ऊपर लेने के बाद क्या होता है, लाइट का ये रिफ्लेक्ट करता है यहाँ से, तो जो पेशेंट होता है उनको क्लियरली वो देख पाता है किसी एक फिक्स प्लेस पे। अब आगे हम बात करें यहाँ पे, तो इन द केस ऑफ कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ फोकस द इमेज इज फॉर्मनेट। तो अगर मान लीजिए कनकेव मिरर की बात करें ना, तो जब यहाँ पे फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इमेज इन्फिनिटी बनता है। ठीक है, लाइट, आगे क्वेश्चन है कि लाइट कांट पास थ्रू डैश ऑब्जेक्ट। तो लाइट जो है ओपेक ऑब्जेक्ट से नहीं पास होगा। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, द स्पीड ऑफ साउंड इज डैश देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो हमेशा बहुत कम होता है, ठीक है, लेस देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन थोड़ा सा ये देख लेते क्या है आगे, द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज कंसिडर्ड डैश। तो फोकल लेंथ जो होता है ना कन्वेक्स मिरर का, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। और कनकेव की बात करें, कनकेव का वो नेगेटिव होता है, कनकेव का नेगेटिव और कन्वेक्स का पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन जो है एमसीक्यू दिया हुआ उसके बाद, ठीक है।